हाय फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मीनाक्षी बुटीक में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ मशीन चलाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम हाथ वाली मशीन चलाते हैं तो फिर जब पैर वाली मशीन चलाते हैं तो उल्टी चल जाती है। उल्टी चलने की वजह से या तो धागा फंस जाता है या तो सुई टूट जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इजी ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से सिलाई मशीन चला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई मशीन चलाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए, कपड़े पर नहीं, पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए। और सीधी सिलाई करने के लिए फ्रेंड्स, देखिए कोई भी पेपर ले लीजिए, उस पर आप स्केल्स की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दो तीन लाइन इस तरह से सीधी बना लीजिए और फिर आप इस पे ही प्रैक्टिस कीजिए। दो तीन बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना फ्रेंड्स, देखिए एकदम सीधी सिलाई आपकी बनने लगी। देखिए अब मैं आपको धागा निकाली है, देखिए मैंने धागा निकाली है, बॉबिन केस भी निकाल के रखी है और मैं इसको आपको सही से बताती हूँ। इस तरह से आप बस लाइन पे सीधे चलाते जाना। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चक्के को आगे की तरफ घुमाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, पहले चक्के को हम आगे की तरफ घुमाते हुए देखिए इस पैर, देखिए फ्रेंड्स ये पैर, दाहिना पैर जो है ये आगे की तरफ रहेगा और ये बायां पैर पीछे की तरफ रहेगा। और इसे चक्के को घुमाते हुए हाथ से हम ऐसे चलाएंगे हल्के। ये जो हमारा दाहिना पैर है ना फ्रेंड्स, ये आगे की तरफ होना चाहिए और बायां पैर थोड़ा पीछे होना चाहिए। और चक्के को आगे की तरफ ऐसे घुमाते हुए हम इसको मशीन को इस तरह कितनी आसानी से चल रही है, चल रही है ना। मैं आपको आगे से भी दिखाती हूँ आगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चक्के को आगे की तरफ पुश करना, ऐसे आगे की तरफ घुमाना है, ऐसे घुमाते हुए आपको चलाना है। और अगर इससे चलाने से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये पैर वाला जो चक्का है यहाँ पे, इसको ऐसे आगे की तरफ घुमाएंगे और ये दायां पैर को आगे रखते हुए देख सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमारा मशीन चल रहा है। देखिए मैं आपको सीधी सिलाई करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो पेपर पे लाइन बनाई थी उसी पे हमें सीधी सिलाई चलानी है। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर है तो कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, बस उनके लिए है, बिगनर्स के लिए है कि वो लाइन ड्रॉ करके ही बनाए ताकि हमारी सिलाई सीधी चले। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से ये पेपर को उठाते हुए, चाक को रखते हुए पेपर को चाटेंगे, फिर देखिए ऐसे हम सीधी सिलाई चलाएंगे। एकदम लाइन को मिलाते हुए हमें चलाते जाना है। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करते रहना है। आप दिन में जब भी आपको टाइम मिले, दोपहर में, किसी भी समय आपको टाइम मिले, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप एक दिन में क्या, एक घंटे में ही मशीन चलाना सीख जाएंगे। मशीन चलाना कोई बहुत बड़ा हार्ड चीज नहीं है फ्रेंड, बहुत ही आसान चीज है, बस प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस करते रहिएगा। पैर वाली मशीन कभी कभी उल्टी चल जाती है, उल्टी चल जाने की वजह से धागा टूट जाती है, तो वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आपकी बहुत अच्छी चलने लगेगी। अब मैं देख सकते हैं फ्रेंड, ये मैंने लाइन बना के पेपर पे पेन से लाइन ड्रॉ करके मैंने सिलाई चलाई है, कितनी सीधी चली है। अब मैं आपको कपड़े पे सिलाई चला के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, पहले मशीन में धागा लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कपड़े पे सिलाई करके बताती हूँ। देखिए इस तरह से धागा डालना है। मैंने दूसरे कलर के धागा लिए फ्रेंड्स ताकि आपको सिलाई साफ साफ दिखे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कपड़े पे सिलाई करके बताती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपका सिलाई पहली बार, जब आप पैर वाली मशीन चलाते हैं तो आपकी सिलाई टेढ़ी चल जाती है, तो फ्रेंड्स आपको सीधी सिलाई चलाने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले आप स्केल की सहायता से लाइन बना लें। जैसे हमने पेपर पे लाइन बनाई थी उसी तरह से आप कपड़े पे भी लाइन बना लें, दो तीन लाइन बना लें, ताकि आपकी सिलाई सीधी चले।
देखिए मैं आपको सिल के बताती हूँ। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपकी सिलाई एकदम सीधी चलेगी और उल्टी कभी नहीं चलेगी, धागा भी कभी नहीं टूटेगी। देखिए एकदम लाइन पे एकदम सीधी चलाते जाना है। देखिए हमारी सिलाई कितनी सीधी चल रही है। देखिए आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन पे सिलाई चली है, पीछे से ये कुछ इस तरह है। इसे हम कट कर लेंगे। मैं आपको पैर के पास दिखाते हुए एक मिनट, देखिए देखिए मैं आपको यहाँ पे कपड़ा लगा रही हूँ और देखिए पैर के पास देखिए फ्रेंड्स कि पैर को किस तरह से चलाना है। चक्का को आगे की तरफ घुमाते हुए दाहिने पैर को आगे रखेंगे और देखिए किस तरह से चलाना है, पैर को इस तरह से घुमाते हुए प्रैक्टिस करते रहेंगे ना फिर तो आपकी सिलाई बहुत ही सीधी चलने लगेगी। देखिए कितनी सीधी और अच्छी सिलाई चली है। देखिए अब मैं आपको एक बिना लाइन के आपको बता दिखाती हूँ, बिना लाइन के बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे तो लाइन भी बनाई थी मैंने और यहाँ पे बिना लाइन के एक सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, एकदम सीधी सिलाई चलेगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी सीधी हमारी सिलाई है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी सीधी हमारी सिलाई है, पीछे से भी देखिए कितनी सीधी सिलाई है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप दिन में कभी भी जब टाइम मिले तो आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए बिना धागा लगा के और फिर उसके बाद फिर कपड़े पे लाइन ड्रॉ करके सिलाई चला के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप दो तीन दिन तक प्रैक्टिस कीजिए तो उसके बाद आपकी सिलाई देखिएगा फ्रेंड्स बहुत अच्छी चलने लगेगी। आपको मेरा ये सिलाई सिखाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।